हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पप्पल अग्रवाल और मेरे इस चैनल पप्पल फॉर यू में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि रिसाइकिल बिन से भी डिलीट हो चुकी फाइलों को रिकवर कैसे कर सकते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो फाइलें रिसाइकिल बिन से डिलीट हो जाती हैं वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। हम चाहें तो बड़ी आसानी से उन्हें रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि हम डिलीट की हुई फाइलों को कैसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की नई नई चीजें सीखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक फाइल डिलीट करके दिखा देता हूँ। माय कंप्यूटर गैलरी, इसमें इम्पोर्टेंट फाइल बैंक के अंदर। फ्रेंड्स ये देखिए, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। मैं इसे ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये मेरी फाइल का डेटा है फ्रेंड्स। इसे मैं क्लोज करता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ डिलीट। अब ये देखिए, यहाँ पर ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। तो मैं इसे यस कर देता हूँ और इसे क्लोज। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं रिसाइकिल बिन भी खोल के दिखा देता हूँ। वो बिल्कुल खाली है। ये देखिए, रिसाइकिल बिन में भी वो फाइल नहीं है। इसे क्लोज करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ कि हम इस फाइल को बड़ी आसानी से रिकवर कैसे कर सकते हैं। आपको परमानेंटली डिलीट हो चुकी फाइल्स को रिकवर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसे हम नेट से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप अपने कंप्यूटर से किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपको सर्च करना है फाइल हिप्पो रिकोवा। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे ऊपर में आ रहा है डाउनलोड रिकोवा करके, इसके ऑफिशियल वेबसाइट है ये। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर बता रहा है रिकोवा करके। 5 MB का ये सॉफ्टवेयर है और बिल्कुल फ्री है। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होता है हमें। आप इसे यहाँ से क्लिक करके बस डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। आप इसे सिंपली ओपन कर लीजिए, बस क्लिक कर लीजिए और इसे तो क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे ये इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिए। ये इंस्टॉल हो रहा है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये इंस्टॉल हो चुका है। रन रिकोवा पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम फाइल को रिकवर कैसे कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है फाइल टाइप, ये किस टाइप की फाइल थी। जैसे कोई इमेज थी या MP3 या डॉक्यूमेंट या वीडियो या कंप्रेस्ड फाइल। तो मेरी डॉक्यूमेंट थी तो मैं इस पे टिक लगा देता हूँ। नेक्स्ट। और यहाँ पे अब पूछ रहे हैं कि फाइल लोकेशन, कि वो फाइल कहाँ पे थी। फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो तो भी ठीक है और अगर नहीं पता हो तो आई एम नॉट श्योर पे टिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मुझे पता थी तो मैं यहाँ बता देता हूँ इसे कि कहाँ पर थी मेरी फाइल, गैलरी के अंदर इंपॉर्टेंट फाइल बैंक में। ओके, अब यहाँ से अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये देखिए, अब बस आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और स्टार्ट पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स 10 से 15 सेकंड के अंदर ये फाइल रिकवर हो जाएगी। स्टार्ट। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बता रहा है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फाइल रिकवर हो चुकी है। तो आप बस इस पर क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद रिकवर पे क्लिक कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना है कि आपको ये फाइल कहाँ पे चाहिए। तो मैं इसे वापस वहीं पे डाल देता हूँ, गैलरी में इम्पोर्टेंट फाइल बैंक में। और ओके पर क्लिक करते ही ये फाइल इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। इसे यस कर दीजिए। ओके, अब इसे क्लोज करके देखते हैं फ्रेंड्स कि वो फाइल आई है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फाइल रिकवर हो चुकी है। ये देखिए, तो देखा फ्रेंड्स आपने, हम अपनी डिलीट की हुई फाइलों को बड़ी आसानी से कैसे रिकवर कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्रोसेस को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसे कमेंट करके बताएं, हम आपको उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की नई नई चीजें सीखते रहिए।